प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ पार्टी के तमाम सांसद, मंत्री और विधायक लोगों के बीच जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद की बीजेपी उम्मीदवार सरोज बाला राठी का प्रचार करने के लिए सांसद अरविंद शर्मा और कृषि मंत्री जेपी दलाल बहादुरगढ़ पहुंचे। एक तरफ जहां सांसद अरविंद शर्मा ने डोर टू डोर अभियान चलाकर बीजेपी उम्मीदवार सरोज राठी के समर्थन में वोट देने की अपील की, तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नुक्कड़ सभाएं कर सरोज राठी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। राजेश जी और हमारी सरोज राठी जी चेयरमैन चेयरपर्सन का लड़ रही है पार्षद का, और मेरे को चौथी बार तीन बार रह चुके हैं, चौथी बार ये लड़ रहे हैं। मुद्दे जो विकास के, जो पिछली बार जिस तरह से निकाय के चुनाव हुए और जो है एक किस्म से मैं कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार थी जो निकाय के चुनाव में, और जिस तरह से देखा आपने बहादुरगढ़ का विकास के मामले में, आप देखेंगे चारों तरफ जो हाहाकार और भ्रष्टाचार रहा। अब जो है पूरी कोशिश करके हम सब मिल करके इसमें कोशिश करेंगे बहादुरगढ़ के नक्शा जो है बिल्कुल चेंज करें, बहादुरगढ़ में विकास का जो जितना भी पहिया रुका हुआ है उसको जो है लाइन पे लेकर के आएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की समस्या है और आपकी सड़कों की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो बहादुरगढ़ में जो नई सरकार आने पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर, कमल का फूल खिलने पर उन सारी समस्याओं का समाधान होगा। हमारी सरोज राठी जी बहुत ही मेहनती, एक ऐसे परिवार से, नेक परिवार से, ईमानदार परिवार, जो सबका साथ सबका विकास जो असली नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो इस परिवार में है। अलग अलग वार्ड में मैंने नुक्कड़ सभाएं की हैं, लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, भाजपा के प्रति बहुत अच्छा रुझान है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां पर ज़्यादातर पार्षद भी भाजपा के जीतेंगे और जो नगर प्रमुख है वो भी भाजपा की जीतेगी। बहुत अच्छा माहौल है, सारे पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा जननायक जनता पार्टी के मिल के काम कर रहे हैं। लोगों में एक इच्छा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, देश में मोदी जी, प्रदेश में भाजपा जसपा की सरकार, और यहाँ पर जो है उसी पार्टी के जो नगर प्रमुख और पार्षद बनाएं, ताकि ये बहादुरगढ़ का विकास हो, बहादुरगढ़ में रोज़गार आए, बहादुरगढ़ में खुशहाली आए, इस तरह के लोगों की भावना है। पिछले योजना में हमारे विधायक ने लगभग 1300 करोड़ रुपये के काम यहाँ करवाए थे। ये मैं मानता हूँ कि कोरोना की वजह से दुनिया में संकट आया था, 1.5-2 साल का ब्रेक यहाँ भी लग गया, वरना हम और ज़्यादा विकास काम होते। अब चुनाव के बाद विकास कामों में रफ्तार आएगी और बहादुरगढ़ की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। कि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बाज़ारों में CCTV कैमरे की हमने मांग सबसे पहले हम रखेंगे, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है मेरी बहनों और जो बच्चियां हैं उनकी तरफ से, तो उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला प्रयास हमारा यही रहेगा। जी शौचालयों की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है बहादुरगढ़, एक मार्केट भी लगती है बहुत बड़ी हमारे यहाँ की, तो शौचालयों को लेकर पूरी व्यवस्था करवाई जाए। सफाई व्यवस्था तो चरमराई हुई है, उसको लेके भी हम देख रहे हैं, अभी पूरे जो हमने वार्डों के दौरे करे हैं तो सफाई की व्यवस्था तो मेन है ही, गलियां हैं हमारे, सीवर जो ओवरफ्लो रहते हैं उन सब को लेकर भी हमारा प्रयास सबसे पहले। जन समर्थन पूरा 100% हमारे साथ है, हम तो आश्वस्त होकर हर वार्ड से जा रहे हैं कि 19 तारीख को हमारी जीत सुनिश्चित।